नमस्कार, मैं डॉक्टर इन्ना त्रिपाठी, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईओबी स्पेशलिस्ट, इंदिरा आईवी फ्रीवा सेंटर में कार्यरत हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईवीएफ यानी कि टेस्टिबेबी इलाज में कितना खर्च आता होगा और इसकी क्या सक्सेस रेट होती होगी। तो अगर इसके खर्चे को हम समझें तो हम इसे दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो 25 से 30 हजार का जो खर्चा रहता है वो हॉस्पिटल की फीस यानी कि हॉस्पिटल का खर्चा होता है, जिसमें डॉक्टर की फीस, आईवी प्रक्रिया के दौरान महिला की जितने बार भी सोनोग्राफी होती है उसका खर्चा, होम पिकअप के दौरान जो एनेस्थीसिया से चार्जेस होते हैं उसका खर्चा, गायनेकोलॉजिस्ट की प्रोफेशनल फीस, एम्ब्रियोलॉजी लैब का खर्चा, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का खर्चा, भ्रूण बनाने के लिए जो इंपोर्टेड कल्चर मीडिया एंड डिस्पोजल यूज किए जाते हैं उसका खर्चा, ओटी चार्जेस, लैब चार्जेस, वार्ड चार्जेस, ये सारे खर्चे इसमें इंक्लूड रहते हैं। दूसरा आईवीएफ में जो मेजर खर्चा होता है वो है इंजेक्शंस का। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंजेक्शंस, ये वो इंजेक्शंस होते हैं जो फॉलिकल की साइज को बढ़ाने के लिए 10 से 11 दिन तक महिलाओं में लगाए जाते हैं। ये मार्केट में 3 तरह से उपलब्ध है। पहला है यूरिनरी गोनाडोट्रोपिन्स, दूसरा है हाईली प्यूरिफाइड प्रोडक्ट्स और तीसरा है रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स। अब बात करें यूरिनरी गोनाडोट्रोपिन्स की, तो ये वो इंजेक्शंस होते हैं जो ऐसी महिलाओं के यूरिन से तैयार किए जाते हैं जिनका मासिक चक्र, मासिक धर्म बंद हो गया हो। यूरिनरी प्रोडक्ट से बने होने के कारण इनके कई तरह के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे महिला को इंजेक्शन साइट पर पेन, स्वेलिंग, ईचिंग, रेडनेस, इस तरह के कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये इंजेक्शन अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, परंतु इनसे मिलने वाली जो सक्सेस रेट, जो सफलता है, वो 25 से 30% तक ही देखी गई है। बात करें हाईली प्यूरिफाइड प्रोडक्ट्स की, तो ये भी यूरिनरी प्रोडक्ट से बने होते हैं, परंतु इनमें जो इम्प्योरिटी है वो यूरिनरी गोनाडोट्रोपिन्स की कंपेयर में काफी कम होती है। इनकी जो खर्चे की बात करें, इनसे जो आने वाला जो खर्चा है वो 40 से 50 हजार तक आता है और इनसे जो मिलने वाली सक्सेस रेट, जो सफलता है, वो 35 से 40% तक देखी गई है। बात करें रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस की, तो यही इंजेक्शन ज्यादातर आईवीएफ सेंटर्स में यूज होते हैं। ये अल्ट्रा प्योर इंजेक्शन होते हैं जिसके कारण इनके किसी भी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बात करें इनकी कॉस्ट की, तो इनसे जो आने वाली जो कॉस्ट है वो लगभग 80 से 90 हजार तक आती है और इनसे जो मिलने वाली जो सफलता है यानी सक्सेस रेट है वो 70 से 75% तक होती है। तो आईवीएफ में कुल मिला के जो खर्चा आता है वो लगभग 1 से 1.25 लाख तक का आता है। तो आईवीएफ में काफी एडवांसमेंट हुआ है जिसके कारण से पहले की कंपेयर में, पहले की तुलना में अब जो सक्सेस रेट है यानी अब जो सफलता है वो 70 से 75% तक हो गई है। तो लोगों के मन में अक्सर एक सवाल रहता है कि आखिर ये जो सक्सेस रेट है किस पैरामीटर पर निर्भर करती होगी? क्या ये सक्सेस रेट किसी पेशेंट फैक्टर पर निर्भर करती है? क्या ये सक्सेस रेट किसी आईवीएफ सेंटर पर निर्भर करती है? आखिर किस पैरामीटर पर ये सक्सेस रेट निर्भर करती होगी? तो मेरे ओपिनियन से आईवीएफ में जो सफलता यानी जो सक्सेस रेट है वो दोनों पैरामीटर पर निर्भर करती है। बात करें अगर आईवीएफ सेंटर की, तो ऐसे आईवीएफ सेंटर जहां सारी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है, जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जहां बेस्ट क्वालिटी के इंजेक्शंस, इनपुटेड कल्चर मीडिया, डिस्पोजल्स यूज हो रहे हैं, जिनके पास में ट्रेन एम्ब्रियोलॉजी टीम है, एक्सपीरियंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, जहां भ्रूण बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे इक्सी यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, लेजर असिस्टेड हैचिंग, क्लोज वर्किंग चैम्बर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जाहिर सी बात है वहां की जो सफलता यानी जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा होने की संभावना होती है। अब बात करें पेशेंट फैक्टर की, तो अगर महिला के जो अंडे हैं और पुरुष की जो शुक्राणु की जो क्वालिटी है और उससे जो बनने वाला भ्रूण है वो अगर अच्छी क्वालिटी का है और साथ ही जो महिला का जो गर्भाशय है उसकी कंडीशन
अच्छी है तो आईवीएफ में जो सक्सेस रेट है, जो सफलता है, वो ज्यादा होने की, ज्यादा मिलने की संभावना होती है। तो अगर आप आईवीएफ प्लान कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट का इशू ना बनाएं। आप सस्ते आईवीएफ की तरफ ना जाकर सक्सेसफुल आईवीएफ को अपनाएं। आईवीएफ यानी टेस्ट बेबी इलाज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी लैब का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो संतान सुख की जो आस और उम्मीद है उसे सही उपचार से पूरा किया जा सकता है। नमस्कार।